गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप जो है मार्च में यदि नर्सरी जाते हैं तो आपको ऐसे प्लांट का चुनाव करना चाहिए जो सालों साल 10-20 साल आपके गार्डन में चल सके और एक ही बार खरीदना पड़े, बार बार परचेज ना करना पड़े। तो आज मैं आपको 30 ऐसे रंगीन पौधों के नाम भी बताऊंगी जिसे आपको नर्सरी से ज़रूर लेकर आना चाहिए और ये सारे प्लांट जो है परमानेंट प्लांट हैं और आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बताते हैं और दिखाते भी हैं। देखिए, मैंने कुछ और भी काम किया है इस समय अपने गार्डन में। मैं टॉपियारी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और एक ही प्लांट है, देखिए इस तरह से बोनसाई लुक देने की कोशिश में हूँ। और मैंने इस तरह से नेस्ट बनाया है और इसमें मैंने चिड़िया रखी है, देखिए आर्टिफिशियल। तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैंने कोशिश की है और अभी इसको अच्छे से और भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो कुछ टॉपियारी अभी मैं तैयार कर रही हूँ। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ को हम सीखते हैं, एकदम से कोई भी चीज़ आ नहीं जाता है, कोशिश करने से ही जो है सफलता मिलती है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो प्लांट बताना चाह रही हूँ आपको वो है फिलोडेंड्रन। इसकी बहुत सारी वेराइटी आती है, मेरे पास सिर्फ दो ही है, गोल्डन और ग्रीन। और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत लगती है, मुझे तो बेहद पसंद आया ये प्लांट और मैंने इसकी कटिंग लगाई है। तो इस समय आप नर्सरी जाते हैं ना तो फिलोडेंड्रन प्लांट जरूर पूछें आप। ज़्यादा है तो आप नाम लिखकर भी लेकर जाएं। जब नर्सरी जाते हैं तो एक पर्ची जरूर बना लें कौन कौन से प्लांट आपको लेने हैं। और ये सारे इंडोर बहुत अच्छे से चलते हैं और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है इसकी पत्तियाँ। तो इस प्लांट को आप ला सकते हैं नर्सरी से। इनके प्राइस लगभग 100 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं 120 रुपये, 130 रुपये भी है। मैंने तो कटिंग लगाई थी और यदि आपको कटिंग मिलती है ना तो इसकी छोटी छोटी कटिंग अभी भी आप मार्च में लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट प्लांट है जिसकी पत्तियाँ बहुत बेहतर खूबसूरत, बहुत प्यारी रहती है, वो है क्रोटोन। ये सारे प्लांट मैंने घर पर ही तैयार किए हैं क्रोटोन की कटिंग। और देखिए इनकी पत्तियाँ, इसमें तो आपको बहुत सारे जो है वैरायटी मिल जाएगी क्रोटोन की। मेरे पास लगभग 10-12 प्लांट है जिनकी पत्तियाँ अलग अलग डिज़ाइन की है और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल। ये मदर प्लांट है देखिए, और इसी की कटिंग लेकर मैंने लगभग 4 से 5 प्लांट तैयार किए हैं। तो क्रोटोन को जो है घर में भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती है वहाँ पर इसे आप रख सकते हैं। चूँकि मैं तो टेरिस पर गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने ऐसी जगह पर इसे प्लेस किया है। इनडायरेक्ट सनलाइट इनको मिल जाती है और दिन में 1-2 घंटे की धूप भी इसको मिल जाती है। तो आप ऐसे प्लांट ला सकते हैं और इनकी पत्तियां देखिए कितनी सुंदर कलरफुल है। तो इस तरह के